हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार, आप देख रहे हैं mbfreedish यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो है 39 HellasSat का कवरेज मैप, क्योंकि दोस्तों मैं आपको लेटेस्ट कवरेज मैप दिखा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों पिछला वीडियो भी मैंने दिखाया था, लेकिन दोस्तों काफ़ी सब्सक्राइबर का यही सवाल है कि हमारी लोकेशन पर इसका कवरेज है या नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाया कि इस लोकेशन पर आप रहते तो आपको कितनी फ्रीडिज की ज़रूरत पड़ेगी, तभी इसका सिग्नल आपको रिसीव कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको सेट करना है तो MPG 2 बॉक्स में भी सेट कर सकते हो। MPG 4 में बॉक्स में कभी कभी सिग्नल होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन MPG 2 बॉक्स में सेट करेंगे तो आराम से सेट हो जाएगा। लेकिन ये आप देख सकते हो, मैं क्योंकि दोस्तों आपको दूसरा कवरेज मैप दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो इस लोकेशन पर रहते तो आपको 6 से 7 फीट में यहाँ इसका सिग्नल रिसीव होता है, ये आप देख सकते हो। इस लोकेशन पर रहते तो भी दोस्तों इसका सिग्नल रिसीव होता है 6 से 7 फीट का। मैं आपको पहले वाला बीम दिखा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको 3 बीम इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा 39 HellasSat का। क्योंकि दोस्तों इस लोकेशन पर रहते तो भी दोस्तों इस बीम का सिग्नल रिसीव होता है। मैं आपको पहले वाला बीम दिखा रहा हूँ, बाद में देखते हैं दूसरा वाला बीम, वो भी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन दोस्तों आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके लोकेशन पर इसका कवरेज है या नहीं। ये आप देख सकते हो, मैं आपको दूसरा बीम दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस बीम में काफ़ी सारे दोस्तों रिसीव होते हैं, और आपको जब भी सेट करना है तो आपको MPG 2 बॉक्स में भी सेट कर सकते हो। और पिछले वीडियो में मैंने आपको MPG 2 बॉक्स में भी डिश सेटिंग भी दिखाई है, इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। MPG 2 बॉक्स में भी सेट कर सकते हो, और MPG 4 बॉक्स में आप सेट करके तो इसका सिग्नल कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन MPG 2 बॉक्स में भी आराम से सेट हो जाता है। ये आप देख सकते हो, इस लोकेशन पर रहते तो आपको इसका सिग्नल रिसीव नहीं होता है, ये आप देख सकते हो इस मार्किंग में, ये आप देख सकते हो इसका कवरेज मैप। और इस इलाके में रहते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ सिग्नल रिसीव होता है। मैंने पिछले वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से इसकी आप डिश सेटिंग कर सकते हो, और किस तरह से आपको इसका सिग्नल रिसीव कर सकते हो। आपके पास दोस्तों 6 से 7 फीट दोस्तों डिश होनी चाहिए, तभी दोस्तों इसका सिग्नल रिसीव कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, इस लोकेशन पर रहते तो इसका सिग्नल रिसीव नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया है कि इस लोकेशन पर रहते तो इसका सिग्नल रिसीव नहीं होता। ये आप देख सकते हो, इस लोकेशन पर रहते तो आपको 4 से 6 से 7 फीट में दोस्तों यहाँ सिग्नल रिसीव होता है। ये आप देख सकते हो इस इलाके में मैंने मार्किंग की वहीं, और ये दिल्ली वगैरह में भी सिग्नल रिसीव होता है 6 से 7 फीट में, ये आप देख सकते हो इस लोकेशन पर। क्योंकि नेपाल वगैरह में इसका सिग्नल रिसीव नहीं होता 39 HellasSat का। अब हैदराबाद की बात करते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ ये थोड़ा और मुश्किल है, तो क्योंकि दोस्तों आपको 6 से 7-8 फीट में दोस्तों इसका सिग्नल रिसीव करना पड़ेगा। और केरला वगैरह मुंबई की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ 6 फीट में भी सिग्नल रिसीव होता है, ये आप देख सकते हो कि इसका कवरेज में। क्योंकि दोस्तों इस लोकेशन पर रहते तो भी इसका सिग्नल रिसीव होता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि दोस्तों आपको जब भी चेट करेंगे तो आपको शाम को इसका सिग्नल रिसीव करना पड़ेगा, तभी इसका सिग्नल रिसीव होता है। क्योंकि दिन में इसका गर्मी से वजह से सिग्नल थोड़ा वीक हो जाता है, इसलिए दोस्तों आपको रात को सेट करना पड़ेगा। और डिश सेटिंग देखना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। यहीं थी आज की अपडेट, और यहीं थी आज की कवरेज।